गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 7:15 पे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं अपने डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज जो है वो 7:15 पे मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, इतने में इलेक्ट्रिसिटी चली गई ठीक है। और फिर मैंने वापस से कोशिश करी कि किसी ना किसी तरीके से आपकी क्लास है जो कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके ये सब करूँ, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करी वापस इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो उस चक्कर में 5-10 मिनट जो कि डिले हो गया। अदरवाइज हम लोग आज हमारे 7:05 पे क्लास स्टार्ट करने वाले थे। चलो ठीक है, वॉट एवर इट इज़, तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि कवर करेंगे, देखेंगे क्या हमारे देश में दुनिया में इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे नॉलेज या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं, द हिंदू के अंदर आपके पास में 4 आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आपके पास में 2 आर्टिकल है, पीआईबी पीआरएस की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 आर्टिकल, इंडियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 1 है। तो इस प्रकार के 12-13 आर्टिकल है जो कि आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले 30-40 मिनट के अंदर। सबसे पहले क्लास 24 पे आपको पीडीएफ है जो कि इस क्लास की अवेलेबल हो जाएगी। एवरी वीक आपको फ्री लाइव टेस्ट भी जो है वो क्लास 24 पे मिलता है करंट अफेयर का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको 12th क्लास नीट की प्रिपरेशन करनी है, सीटेट की करनी है, राजस्थान के किसी एग्जाम की करनी है, एसएससी की करनी है, आप चाहो तो जीके का कोर्स भी जो है मेरा वाला यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन में जाना है और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट, टेक द मूवमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। अक्सर ऐसा ही होता है, देखो 10 में से 8 बच्चे जो है ना, ये रियलिटी है, ये सबके दौर होता है कि ये उम्र का एक जिसके अंदर हमेशा ऐसा होता ही है कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ आगे से हो जाए तो मैं स्टेप लूँ ठीक है, आगे से जॉब लग जाए तो मैं जॉब करूँ, आगे से कोई सिलेक्शन हो जाए तो फिर मैं उस नौकरी को ज्वाइन करूँ। अक्सर इसी फेज में जो है हमारे बहुत सारी चीज़ें जो कि मिस हो जाती है, है ना। छोटा सा एग्जांपल है, अगर लेट से मैं, बहुत सारे बच्चे हैं मतलब उनकी समस्याएं जो मेरे पास डेली आती रहती है कि उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जैसे कि मान लीजिए पीएचडी के लिए यूजीसी नेट क्लियर हो गया, जेआरएफ क्लियर हो गया है, अब उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। अरे एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कॉलेज में जॉब का ट्राई करो, कॉलेज में जॉब करो, स्कूल में जॉब करो, जब तक कुछ और बेहतर नहीं होता उसको आगे कंटिन्यू करो। लेकिन फिर भी बहुत टाइम तक जो है बहुत सारे बच्चे बैठे ही रहते हैं ये सोच के कि यार चलो ठीक है कुछ आगे से जॉब आएगी या कुछ आगे से किस्मत कुछ करके दे तब तो हम कुछ और आगे स्टेप ले। हमेशा ऐसा नहीं होता है गाइज, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना उसको बेस्ट यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि आपके एस्पिरेशन तो है वाई, आपके पास है एक्स ठीक है, तो एस्पिरेशन की तरफ आपको जाना है, बाइक की तरफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आज आपके पास में है, जो आज आप कर सकते हो उसको तो कम से कम करो कम से कम, ताकि उसी के रास्ते जो है आप बाइक की तरफ पहुंचोगे। अगर आप बैठे रहोगे ना तो ना तो एक्स मिलने वाला है ना वाई मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई जेड की तरफ जाओगे एंड ऑफ द डे कोई मतलब नहीं होगा, है ना। आपके डिसीजन जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं और जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो राजस्थान के इलेक्शन 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिए गए, पहले 23 नवंबर को थे अभी 25 नवंबर को कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि उस दिन इतने सारे शादियां हैं शहर में, 25,000 शादियां हैं जहां पे आप ये मान के चलो 25 लाख लोग तो वैसे बिजी रहेंगे, एक परिवार में 100 लोग भी अगर एक शादी में हम लोग मान के चलते हैं तो 25,000 शादियां, 25-25 लाख 25 लाख लोग तो वैसे शादियों में बिजी हो गए तो वोट देने कौन जाएगा। इसीलिए दोस्तों 2 दिन जो है इसको इलेक्शन को डिले कर दिया गया है, समझ गए। पहले 23 को था, अभी 25 नवंबर को इलेक्शन है जो कि राजस्थान में होंगे। ऑपरेशन विजय है जो कि लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर है, यहाँ पे पठानकोट मास्टरमाइंड जो था उसको पाकिस्तान में किसी के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, यहाँ पे रोहित शर्मा ने कल सेंचुरी मार दी, यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म नहीं हो पा रहे उसको लेकर है, है ना। और यहाँ पे आसाम के अंदर ट्रेन जो है वो एक डिरेल हो गई बिहार के अंदर, वो बताया गया है। हमारे लिए जरूरी है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय दोस्तों जो है ये किस लिए किया गया है, ताकि हमारे कई सारे भारतीय जो कि अभी ईरान में फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि वहां पे युद्ध है जो कि छिड़ चुका है, है ना। अब आपको सबको मालूम ही है दोस्तों, इंडिया एक मेजर ऑपरेशन जो कि करता है जब किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की समस्या होती है, तो
चाहे फिर वो ऑपरेशन कावेरी हो, गंगा हो, इस प्रकार के कई सारे ऑपरेशन हम लोग करते रहते हैं। यूक्रेन के अंदर जब हमारे कई सारे भारतीय फंसे, है ना, इसी प्रकार से गल्फ में जब एक बार फंसे थे तब हमने मदद करी, कोविड के टाइम पे भी हमने मदद करी, समुद्र सेतु, कई सारे हमने मिशन जो है वो नेवी के थ्रू कंप्लीट करे, है ना। और अब हम लोग ऑपरेशन अजय है जो कि लॉन्च कर रहे हैं हमारे इसराइल से लोगों को लेके आने के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि 18,000 भारतीय है जो कि वहाँ पर रह के काम करते हैं, और उसमें 14,000 तो सिर्फ नर्सेज, मिडवाइफ, केयर गिवर जो होते हैं उनके तौर पे काम करते हैं। तो और उन्हीं लोगों को जो है वापस से इस बार बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इवैक्यूएशन है इस साल का। इससे पहले हमने ऑपरेशन कावेरी जो है वो भी किया था, जब हमने सुडैन से जो है वो लोगों को अभी अप्रैल मई के अंदर तो लेके आए थे, सुडैन से, अफ्रीका से लेके आए थे ऑपरेशन कावेरी के तहत, तो वो भी हमने लॉन्च जो कि किया था, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी भारतीय जो है वो नहीं फंसेगा, सब लोग जो है वो सेफली आ जाएंगे। अभी इसराइल ने जो है वो गाजा के ऊपर रात को बॉम्ब गिराए हमास के खिलाफ, टोटल मिला के 1200 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और 2700 लोग हैं जिनके अभी घायल हो चुके हैं, है ना। तो जल्दी 5-7 दिन के अंदर ये फाइट तो ओवर हो जाएगी, लेकिन वही बात है कि काफी लोगों को नुकसान हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, पेज नंबर 14। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे ट्रेलर जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों महिलाओं के राइट को मद्देनजर रखते हुए 26 वीक का प्रेगनेंसी भी जो है वो अबॉर्ट करने की परमिशन दे दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही थी, वो बोल रही थी जब हार्ट बीट चालू हो जाती है तो फिर आपको बच्चा गिराना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला सुनाया कि अब वो चाहे 26 वीक हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, चाहे 28 हो, एंड ऑफ द डे अगर महिला उसको नहीं रखना चाह रही है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है इमोशनली या फिर वो सोशली, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो बच्चा डिलीवर होगा, तो प्रॉब्लम ही होने वाली है। तो इसको लेकर है जो कि डिवीजन बेंच, दो महिलाओं की जो कि सुप्रीम कोर्ट में थी, उन्होंने अपने ओपिनियन जो कि रखे हैं, है ना। एक मैरिड वुमेन है, 26 वीक की प्रेगनेंसी है, तो उन्होंने इसके बारे में फैसला है जो कि सुनाया है। चलिए ठीक है, चलो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर भी एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कमिश्नर के पास में पेंडिंग पड़ी हुई है। 3,00,000 से भी ज्यादा है जो कि यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे बताया है। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने वेनेसडे को लॉन्च किया KTV भारत हूं मैं। ये एक एनिमेटेड सीरीज है, 2 सीजन की है, जिसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है उनके बारे में इसमें बताया जाएगा, है ना। INB के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया है और 32 एपिसोड है इसमें, 11-11 मिनट के एनिमेशन वाले वीडियोज है। दूरदर्शन के ऊपर भी टेलीकास्ट किया जाएगा, नेटफ्लिक्स पे भी किया जाएगा और अमेजोन के ऊपर भी किया जाएगा, है ना। ऐसे हमारे हीरोज जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ज्यादा पता नहीं होता, उनके बारे में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इस एनिमेशन सीरीज के अंदर जानकारी दी जाएगी। तो आपको ये जो नाम है ना सीरीज का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत हूं मैं, भारत है हम, उल्टा है, भारत है हम, KTB भारत है हम, ये नाम है एक्चुअली में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 15। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो BRI समिट को लेकर है। देखो पहले भी बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव आपको मालूम है चाइना के द्वारा दोस्तों उसको लॉन्च किया गया था, जिनपिंग के द्वारा 2013 के अंदर, जिसमें चाइना से हर जगह पे ट्रेड करने के लिए ये लोग रूट है जो कि बना रहे हैं, ताकि चाइना दुनिया का सबसे सेंटर पॉइंट है जो कि क्या बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग का बन जाए और पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करे। आप ये देखिए कि इन लोगों ने रोड, रेल, है ना, और समुद्र के थ्रू जहां से जैसे कनेक्शन बैठ सकता है वैसे बैठाने की कोशिश करी। पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये पूरा का पूरा ये लोग कनेक्ट है जो कि करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $350 बिलियन से भी ज्यादा का अभी तक इन्वेस्टमेंट है जो कि इसके अंदर हो चुका है, है ना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, BRI का सबमिट भी कर रहे हैं, कई सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2 बार पहले हो चुका है, 2017 और 19 के अंदर ये पहले हुआ था, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बार भी जो ये होगा हम इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम लोग क्यों नहीं कर रहे BRI को सपोर्ट, क्योंकि ये BRI के अंदर एक जो इसका प्रोजेक्ट है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि हमारे वाले एरिया में से, जो हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है उसी में से, जो POK वाला पार्ट है उसी में से जो है वो गुजर रहा है। अब वो हमारा पार्ट था लेकिन इन्होंने कॉरिडोर है जो कि चाइना वालों ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर बना दिया, उसको लेकर हमारा ऑब्जेक्शन था और उसी को लेकर हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें मतलब नहीं है तुम कितना डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन तुम हमारे वाले एरिया में से लेके गए हो ऑब्जेक्शन करने के बाद में भी, इसीलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा, चाइना और इंडिया का कॉम्पिटिशन भी है दुनिया के अंदर, है ना, आने वाले 10-20 साल दोनों ही देशों के हैं,
काफी दो बराबर की पॉपुलेशन है, जीडीपी में फर्क बहुत है, लेकिन हाँ दोनों ही ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। चलिए, व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं, श्रीलंका भी इसको ज्वाइन करने वाला है, बांग्लादेश भी इसको ज्वाइन करने वाला है। कल ही हमने पढ़ा था बांग्लादेश का एक प्रोजेक्ट है बीआरआई के तहत जो कि अभी इनॉग्रेट किया जा रहा है, पद्मा रेल ब्रिज, कल हमने पढ़ा था ना। श्रीलंका के अंदर तो कई सारे पोर्ट है जो कि लीज पे ले रखे हैं। अब इनका ये कहना है, और यहाँ पे इंडोनेशिया भी ज्वाइन करने वाला है, 100+ कंट्रीज है जो कि इसको ज्वाइन करेंगे। अगर 100+ कंट्रीज सच में ज्वाइन कर रहे हैं बीआरआई समिट को, तो अपने आप में मतलब बहुत ही, मैं तो ये मानूंगा कि यार ये चाइना खेल गया, मतलब कुल मिला के अमेरिका की टेंशन होनी चाहिए सबसे बड़ी तो, क्योंकि सुपर पावर का जो ताज है उसके ऊपर से वो हटने का सबसे बड़ा टेंशन है, क्योंकि 100 कंट्रीज अगर चाइना के पास जा रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को, तो वहाँ पे कितना इंफ्रा का काम है जो कि होगा आप समझ सकते हैं, और आने वाले इस काम का इम्पैक्ट आने वाले 50 साल 100 साल में कितना बड़ा होगा। तो 17 अक्टूबर को चाइनीज कैपिटल जो है बीजिंग के अंदर है जो कि इसको करवाया जाना है, है ना। रशिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट है जो कि कर रहा है। चलिए ठीक है, 10 साल है जो कि इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, कई सारे पुशबैक भी इस प्रोजेक्ट को लिखे हैं, लोकल लेबर के वायलेशन हो रहे हैं वहां पे, कई सारे पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है। 10% से ज्यादा जिन कंट्रीज के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उस कंट्रीज का 10% जीडीपी का कर्जे के अंदर है जो कि चाइना से ले चुका है वो कंट्री। पता नहीं इन कंट्रीज को ये बात समझ आ ही नहीं रही है कि तुम कर्जे में डूब रहे हो किसी दूसरे देश के, और वो धीरे धीरे टेक ओवर करेगा। ये आज के टाइम पे चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना वो क्या है, मॉडर्न यूरोप यूके की स्ट्रैटेजी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने सेना के साथ में सब कुछ मिला के अटैक करती थी, ये चाइनीज ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये सेना के साथ अटैक नहीं कर रहे हैं, ये पैसा देके खरीद के वहां पे उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो 10% अगर मान लीजिए किसी देश के जीडीपी का चाइना के ऊपर कर्जा है, कितना बड़ा हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आज के टाइम पे बीआरआई में फंस चुके हैं, फिर भी जो है कर रहे काम। आई डोंट नो क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, कैसे वो लोग सर्वाइव करेंगे आने वाले दिनों में, है ना। और जबकि उनके पास में बेटर एक ऑप्शन जो है वो इंडिया, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में वो सब भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी कंट्रीज है, बहुत सारे कर्जे के अंदर है जो कि ये डूब चुके हैं। चलिए ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये रोड नेटवर्क है, पुराना वाला जो सिल्क रूट है उसको ये रिवाइव कर रहे हैं, ये समुद्र के थ्रू आप देख रहे हो कोलंबो, हमें तो यहाँ पे पर्ल ऑफ ओशन से पूरा का पूरा घेरने की तैयारी है। इसके पीछे फिर हम भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम इसको काउंटर कर सकें, है ना। पहले तो इसको इटली ने भी परमिशन दे दी थी, लेकिन इटली को अभी कुछ टाइम पहले समझ में आया तो इटली ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, कि हम तो नहीं करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, है ना। अदरवाइज इटली और भी कई कंट्रीज आ गए थे। चलिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, एक तो डेप्थ की है, कई सारे कंट्रीज जो है वो कर्जे में डूब चुके हैं। अगर आप देखोगे तो मैसिव डेप्थ के अंदर है, 42 कंट्रीज तो ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनका जीडीपी का 10% से ज्यादा चाइना जो है वो आज के टाइम पे ओन करता है, इतना कर्जा ले चुके हैं 42 कंट्रीज। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ही काम है जो कि ये लोग कर रहे हैं, वो हथियार से करते थे, ये नॉर्मल से, ये अपने पैसों से कर रहे हैं, है ना। एट डेटा करके एक कंपनी है, उसके द्वारा ये स्टडी है जो कि करी गई। 100 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको एग्रीमेंट को साइन किया था बीआरआई प्रोजेक्ट को, कि रेलवे, पोर्ट, हाईवे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जाएगा, जिनपे के द्वारा 2013 में इसको 5 एक्टिविटीज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। पहला तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करेंगे, ट्रेड का प्रमोशन, फिजिकल कनेक्टिविटी, रेनमिनबी को डॉलर के बराबर लेके जाएंगे और पीपल टू पीपल कनेक्ट है जो कि करवाएंगे। ऐसे बोल के कुल मिला के एक ही काम कर लिया जो कि है टेक ओवर करने का। एक बच्चा पूछ रहा है कि चाइना को इतने पैसा बोरो करता है सेंटर के लिए, चाइना कितने पैसे बोरो करता है। देखो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बहुत मैसिव है, है ना, तो चाइना पैसे कमाता भी बहुत है, तो उसी वजह से वो इतने पैसे लगा पा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो दुनिया को भी तो अपना रिस्पॉन्स देना ही था, तो कुछ ग्लोबल प्रोजेक्ट भी वापस से लॉन्च हुआ, जैसे कि एक है B3W इनिशिएटिव, ये G7 कंट्रीज के द्वारा प्रपोज किया गया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो ये G7 का जो सम्मिट हुआ था, है ना, उसके अंदर ये लॉन्च किया गया अगेंस्ट द बीआरआई सम्मिट, समझ गए। एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दुनिया के द्वारा, ब्लू डॉट नेटवर्क, BDN, इसमें भी कई सारे कंट्रीज है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ताकि ये लोग आपस में मिलकर इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा सके। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे गाजा का यहाँ पे माहौल है और फोटो है जो कि यहाँ पे दिखा रखी है, बाकी तो फ्रंट पेज पे कुछ खास नहीं है। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 40 करोड़ लोग है जो कि आज के टाइम पे दोस्तों 15 से 29 साल की उम्र के अंदर है हमारे इंडिया में। सोचिए 15 से 29 साल की उम्र के बीच में हमारे देश में 40 करोड़ लोग है, ठीक है। अब 40 करोड़ लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अपने आप में, अगर ये यूथ को अगर हमने सपोर्ट नहीं किया, जॉब नहीं दी, इनको स्किल नहीं किया, अच्छी एजुकेशन नहीं दी, तो
शायद हम लोग जो मौका है ना हमारे पास में जो देश के आगे बढ़ाने का वो हम लोग खो देंगे। तो बहुत जरूरी है ये 15 से 29 साल की जो एज ग्रुप है ना इनको सही राइट डायरेक्शन के अंदर जो है वो काम में लेना बहुत जरूरी है एक देश के लिए। अब क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने कुछ टाइम पहले आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है वो लेके आए 50% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में है ना, तो 1/3 रिजर्वेशन सॉरी, तो वो वाली बात हो गई। अभी क्या कर रहे हैं कि नारी शक्ति के बाद में वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद में नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है 40 करोड़ यूथ की पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, इसलिए तो मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट किया एक ऑटोनोमस बॉडी, उसका नाम है मेरा युवा भारत, माई भारत, ये है ना मेरा युवा भारत, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि बनाई गई है। ये बॉडी काम ही ये करेगी कैसे युवाओं के लिए कोई योजना लाई जाए जिससे उनको बेनिफिट मिले, और बेनिफिट मिलेगा तो अगले साल लोकसभा इलेक्शन भी है, दोनों काम है जो कि हो जाएंगे, चौका छक्का दोनों एक ही बोल पे है ना वो वाला। मोदी जी की समस्या सबसे बड़ी यही है कि उनके बर्थडे को आजकल बेरोजगारी दिवस भी बनाने लग गए, क्योंकि बेरोजगारी का जो चरम है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। हमने GDP के अंदर तरक्की करी है, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, लेकिन उसका इंपैक्ट हमारी नौकरियों के अंदर नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ये लगता था, पहले ये फिलॉसफी थी, इकोनॉमिक्स की भी ये फिलॉसफी थी कि GDP बढ़ेगी तो नौकरियां भी बढ़ेगी, लेकिन हमने उसको फेल कर दिया उस फिलॉसफी को, क्योंकि हमारी GDP तो बढ़ रही है लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही है, तो उसको लेकर काफ़ी टेंशन है और वही ज़रूरत है जो कि हमें करने की है। तो इसी को लेकर जो मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर है स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर है, उन्होंने भी बोला कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है माई भारत का वो ये है कि एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म बनाए हम लोग यूथ डेवलपमेंट के लिए। ये 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी होगी उस दिन इसको लॉन्च है जो कि किया जाएगा है ना। हमारे देश में 27% पॉपुलेशन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने लिए काम है जो कि कर सकती है। और NEP 2020 के बारे में भी बात किया गया इसमें है ना, इसमें बोला गया कि एक सुटेबल अपॉर्चुनिटीज है जो कि यंगस्टर्स को दिया जाएगा वॉलंटरली वर्क करने के लिए उनकी चॉइस के हिसाब से कंट्री के अंदर, वो जिस जगह पे काम करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स के अंदर या किसी और चीज के अंदर है ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, बाकी तो और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आइकन ऑफ केरला अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, दोस्तों 101 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ हुई है ना। तो यहाँ पे कथा यानी अम्मा, ये एक लेडी है दोस्तों जिन्होंने मतलब 70-80 की एज के अंदर अपनी पढ़ाई को वापस से शुरुआत करी और काफी अच्छे नंबर भी लेके आई, मतलब 96 की एज में तो ये 100 में से 98 नंबर है जो कि एग्जाम के अंदर ली आई थी राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल के अंदर। सोचिए 98 नंबर, हमारे 18 साल 16 साल के जब हम थे तब भी नहीं लेके आ पाए, कई सारे बच्चे तो यहाँ पे कोचिंग वाले भी जाए होंगे जो कई सारे कोचिंग भी जाके आए होंगे फिर भी नहीं लेके आ पाए, इन्होंने 96 की उम्र के अंदर जो है उस चीज को हासिल कर लिया। तो यानी कि कहने का मतलब मल्टी टैलेंटेड और ऊपर से पढ़ाई स्टार्ट भी बहुत करी है, मतलब बहुत लेट करी है, बुढ़ापे में जाके स्टार्ट करी है, तो इस वजह से जो एक आइकन है जो कि बन गई थी केरला के लिटरेसी प्रोग्राम को लेकर। केरला ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये किया था, पहले तो आपको मालूम है 1998 में तो एक कुदुम्बाश्री करके एक योजना लॉन्च करी थी एजुकेशन के लिए, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स आया था, मतलब केरला की जो लिटरेसी रेट है बहुत ऊपर चली गई थी, काफ़ी लोग एनरोल हुए थे पढ़ाई के अंदर है ना। कुदुम्बाश्री के बाद में अब इन्होंने कुछ टाइम पहले क्या किया था, कुछ सालों पहले, कि जो लोग छूट गए स्कूल एजुकेशन से जो बुजुर्ग है उनको वापस से एजुकेशन जो कि दी जाए उसको लेकर आइकन के तौर पे इनको प्रोग्राम इनको यूज है जो कि किया गया। 2018 के अंदर हेडलाइन में थी ये, टॉप स्कोरर थी ये स्टेट के लिटरेसी मिशन के अंदर है ना, और उस टाइम पे अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट है जो कि एक लॉन्च किया गया था अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित है जो कि किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको लैपटॉप दिया था, ये इंग्लिश सीखना चाह रही थी तो इसलिए दिया गया है ना, और इनसे इंस्पायर होकर 60,000 लोग और ऐसे थे जो उन्होंने वापस से अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं। 2020 के अंदर ओल्डेस्ट स्टूडेंट थी ये स्टेट की लिटरेसी मिशन की, और काफ़ी बड़ी बात है मतलब, और इन्हीं के द्वारा एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बैक टू स्कूल प्रोग्राम है ना, इसी के अंदर प्रोग्राम में 46 लाख महिलाओं को एनरोलमेंट किया गया था कुदुम्बाश्री पावर्टी के अंदर, ताकि वापस से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू है जो कि कर सके। 2 महीने के अंदर 2000 स्कूल जो है वो वीकेंड के ऊपर भी ओपन कर दिए गए थे ताकि ट्रेनिंग जो है वो इन लोगों को दी जा सके है ना। सैटरडे संडे जो है स्कूल बंद होते हैं कई सारे, तो वीकेंड के ऊपर भी स्कूल ओपन कर दिए गए ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में लोगों को वापस से अपडेट है जो कि किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, महिलाओं को हाउस होल्ड इनकम बढ़ाई जा सके है ना, स्ट्रेंथ को कम्युनिटी सिक्योरिटी डिजिटल एज ये सब जो है वो इम्प्रोवाइज किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं सलमान रुश्दी को लेकर, ठीक है।
सलमान रुश्दी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुछ टाइम पहले दोस्तों इनकी इनके ऊपर अटैक है जो कि हुआ था और इनकी आंख है जो कि उसमें चली गई थी, तो एक नाइफ से अटैक हुआ था। इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक 250 पेज की एक नई किताब है जो कि लिखी है, जिसका नाम भी नाइफ है। तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक साल से पहले, एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके ऊपर एक अटैक हुआ था। जान बच गई लेकिन अपनी आई है जो कि इनकी चली गई थी, और कई टाइम तक आइसोलेशन में रहे, रिकवरी करी। बुकर प्राइज विनर है दोस्तों सलमान रुश्दी, काफी फेमस नॉवलिस्ट है जो कि माने जाते हैं, है ना। तो नाइफ नाम का, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, इस नाम की एक किताब है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी जा रही है। ये इनकी 15वीं नॉवल है। इससे पहले जो 14 थी उसका नाम था विक्ट्री डे। ये इनकी 14th नॉवल थी और ये 15वीं है, है ना। चलिए ठीक है, चलो बाकी तो कुछ खास इसके अंदर आई डोंट थिंक, बाकी तो सारे के सारे चीजें हैं जो कि इसमें लिखी हुई है। चलो सलमान रुश्दी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बॉम्बे में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, है ना। सबसे पहले 1947 में नोबेलिस्ट है, प्रोफेसर है, उसके बाद में 1964 के बाद में ये यूके, उससे पहले ही शिफ्ट हो गए थे, और फिर यूके की सिटीजनशिप है जो कि इनको मिल गई थी, है ना। फिर 2016 के बाद में ये यूएसए चले गए, तो उनको यूएसए के द्वारा सिटीजनशिप है जो कि दे दी गई। तो पहले इंडिया की सिटीजनशिप थी, फिर यूके की थी, और अभी उनके पास में यूएसए की सिटीजनशिप है। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई करी। उसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रन दोस्तों एक बहुत ही फेमस नॉवल है, जो कि 1947 रात के 12 बजे कई सारे बच्चे हुए थे एक साथ, तो उसी के ऊपर है जो कि बनाई गई थी मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके ऊपर मूवी भी बना रखी है, आप मूवी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है मिडनाइट चिल्ड्रन करके। उसमें 47 की रात के बारे में बता रखा है कि जो इतने सारे बच्चे पैदा हुए थे उन सबके सेम वो थे एक्सपीरियंसेस थे, है ना, वो सब। तो अच्छी मूवी है, 1981 में इस नॉवल को लिखा गया। सिनेटिक वर्सेस है, शालीमार द क्लोन करके है, तो दो तीन ये बुक्स है जो कि काफी फेमस है। बुकर प्राइज इनको मिला, उसके अलावा नाइट बैचलर और भी कई सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। शादियों की बात करें, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 शादी, 2 बच्चे, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोरल रीफ ब्रेक थ्रू को लेकर। तो देखो अगर हम लोग बात करें कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं समुद्र की ट्री पेड़, तो डेफिनेटली कई सारे बच्चे बोलेंगे पेड़, लेकिन समुद्र ज्यादा जरूरी है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग, ठीक है। ट्री भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है वैसे तो, खैर है ना, लेकिन कभी भी दोनों को हम लोग वो नहीं कर सकते, लेकिन जनरली बता रहा हूं कि जनरली हम लोग ट्रीज पे ध्यान देते हैं लेकिन समुद्र में कचरा फेंक देते हैं, ओके। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि समुद्र सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें सर्वाइव करना है तो, है ना। मरीन लाइफ जो है वही है जो कि हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, फोटोफ्लैक्टॉन जो छोटे छोटे से वहां पे मरीन एनिमल्स होते हैं वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कारण है। तो समुद्र जितने सही रहेंगे, ओशन जितने क्लीन रहेंगे, जितना प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा, उतना ही जो है लैंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट है जो कि पड़ता है, और तभी हमारे ट्री जो है वो कवर बढ़ेगा और हम लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आज के टाइम पे कोरल को बचाना बहुत जरूरी है ना। तो कोरल रीफ जो है उसको लेकर ये इनिशिएटिव है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू करके। तो एक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है ब्रेक थ्रू पार्टनरशिप करके कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, अभी 2023 के अंदर। कुछ इस प्रकार की कोरल है जो कि आपको जमीन में देखने को मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मल्टी कलर, एल्गी के साथ में इनकी पार्टनरशिप होती है ना, ठीक है। और ये छोटे छोटे से एनिमल ही होते हैं एक्चुअली के अंदर, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था स्कूबा डाइविंग का, लर्न विद गुणेश सर पे जाके आप देख सकते हो वहां पे चैनल पे, है ना। तो वहां पे मैंने कोरल्स भी दिखाई आपको, ग्रेट बैरियर रीफ का वो वीडियो है, बहुत अच्छा, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको कोरल देखने को मिलती है, और हम चाहते हैं कि 225,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ट्रॉपिकल कोरल रीफ का, वहां पे $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करें और सपोर्ट करें कि ये कोरल जो है वो डाय नहीं हो, है ना, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो 500 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर पड़ेगा 2030 तक, ओके। तो 30x30 इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था ताकि 30% जो अर्थ का लैंड और ओशन एरिया है 2030 तक हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को 15 में इसके बारे में चर्चा करी गई थी, और उसी के अंदर ये कोरल ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो 14 है लाइफ बिलो वाटर, उसी के साथ में इसको देखा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए। तो ग्लोबल पार्टनरशिप है ना कोरल रीफ इनिशिएटिव, जिसके अंदर दुनिया के सारे कंट्री साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। 1994 में 8 गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई जो कोस्टल रीजन वाले कंट्रीज है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी 1994 के अंदर है जो कि इसकी हुई है। अभी आज के टाइम पे 101 मेंबर इसके देखने को मिलेंगे, है ना, और 101 मेंबर है जिसमें 45 कंट्रीज इंक्लूडेड है, हम भी इसके एक वन ऑफ द मेंबर है। कोरल की बात करें तो कोरल होते क्या है दोस्तों, लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं, स्केलेटन से बने हुए होते हैं छोटे छोटे,
है ना, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। ये जब कोरल जितनी ज्यादा रहते हैं उतने ज्यादा फिशेस को फूड मिलता है, फिशेस के लिए उतने ज्यादा बेहतर इकोसिस्टम है जो कि बिल्ड होता है। समझ गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी के साथ में होती है, 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो आपके कोरल्स है ना, इनका जो फूड होता है वो बहुत छोटे छोटे फोटोफ्लेक्टॉन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से एकदम सिल्वर कलर के, रात को ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं, है ना, वो इनके फूड होते हैं, वो ऑक्सीजन बहुत जनरेट करते हैं। हार्ड कोरल्स होते हैं जिसके अंदर CaCO3 देखने को मिलता है, सॉफ्ट भी होती है ना। इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, वन हेरिटेज साइट 1981 के अंदर, और कोरल ब्लीचिंग की भी यहाँ पे समस्या थी, यहाँ पे तो उन्होंने काफी टैकल कर लिया है इसको, कोरल ब्लीचिंग को, है ना। मैं एक दो वहाँ पे साइंटिस्ट से भी मिला था ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग कोरल को पहले तो यहाँ से लेके जाते हैं हमारे रिसर्च सेंटर पे, फिर वहाँ पे उसको देखते हैं कि इसका कारण क्या रहा ब्लीच होने का, फिर उसको वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, फिर उसको सही करते हैं, फिर वापस से जाके वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उसको। तो काफ़ी पैसा है जो कि ऑस्ट्रेलिया कमाता भी है ग्रेट बैरियर रीफ से, टूरिज्म से, और काफ़ी पैसा री इन्वेस्ट भी करता है ताकि इसको बचाया जा सके, है ना। चलिए ठीक है, कोरल इंडिया में बात करें तो गल्फ ऑफ कच्चे के अंदर, मन्नार में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे आपको कोरल देखने को मिलेंगे। सुंदरबन में कोरल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, हमारे लिए फूड मेडिसिन सबका काम है जो कि कोरल करता है। थ्रेट इसको क्या है, टेम्परेट सेडिमेंट डिपोजिशन, सेलिनिटी, पीएच लेवल बढ़ने से, माइनिंग, पॉपुलेशन पॉल्यूशन, टूरिज्म ओवर ज्यादा होना, ये सारे कारण है। कोरल ब्लीचिंग के अंदर क्या है कि जब कोरल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है तो एक्सपेल कर देती है एल्गी को, और वो व्हाइट कलर की हो जाती है इस तरीके की, है ना। ये वाली भी मैंने देखी थी कोरल, व्हाइट कलर की एकदम, बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि वो पूरी डेड थी, मतलब पूरी, जब स्कूबा डाइविंग करके जब मैं एक एरिया में जाके देखा था मैंने, तब देखी मेरे को बिल्कुल एकदम व्हाइट, मतलब वो डेड हो चुकी थी। चलिए ठीक है, और हमने भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च करे, इंडियन कोस्टल मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया, दुनिया ने कोरल रीफ इनिशिएटिव है वर्ल्ड में, और ग्लोबल रीफ R&D एक्सीलेटर प्रोग्राम है जो कि दुनिया में लॉन्च किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बात करते हैं, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, एक सवाल भी आया कई सारे सिविल सर्विसेज में, जैसे ये पूछा गया बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो थी वो कोरल रीफ को वापस से रीस्टोर करने के लिए स्टार्ट करी गई थी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल पूछा गया 2014 में कौन कौन सी जगह पे कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगी, तो अंडमान निकोबार में, सही बात है, कच्चे में भी, मन्नार में भी, सुंदरबन मैंने आपको बताया नहीं है, तो ये कट गया, तो आपका आंसर हो गया ए। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड कॉटन डे PIB के अंदर इसको कल डिफाइन किया गया, 2023 का वर्ल्ड, ठीक है, कॉटन डे को लेकर। तो देखो बात ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है ना, ओके, उसने एक कॉन्फ्रेंस करी है वर्ल्ड कॉटन डे, किसके साथ में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। क्या चाह रहे हैं हम लोग कि कॉटन को और कैसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, और ज्यादा कैसे बेहतर है जो कि डे बाय डे हम लोग इसको बना सके। ऑलराइट, तो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इंट्रोडक्शन भी किया गया बिट्स का। ये बिट्स क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, कि कैसे कॉटन की बेल को आप आइडेंटिफाई और ट्रेस है जो कि कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, ताकि आप उसका ओरिजिन पता कर सको, उसका पूरा प्रोसेस पता कर सको, समझ गए। इसी के अंदर हमने कस्तूरी कॉटन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, कस्तूरी जो कॉटन है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉटन है जो कि मानी जाती है। तो अभी 7 अक्टूबर को हर साल जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, 2019 के अंदर इसके बाद पहली बार कॉन्फ्रेंस जो की हुई थी, 4 देशों ने जो है इसका इनिशिएटिव किया था, बर्किना फासो, चैड, माली और बेनिन, 4 अफ्रीकन नेशन एक्चुअली है, तो उनके द्वारा ही पहली बार इसको इनिशिएटिव किया गया है ना। ये बिट्स है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, QR कोड के माध्यम से पता कर सकते हो, कस्तूरी प्रोग्राम जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि बेस्ट क्वालिटी जो है ना वो हम लोग कॉटन है जो कि प्रोड्यूस कर सके। इसके अंदर उसकी फाइबर की लेंथ, स्ट्रेंथ, कलर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। कस्तूरी कॉटन है जो कि हम लोग इसको कहते हैं, प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। ओके, कॉटन की बात करें तो 6 से 8 मंथ है जो कि मैच्योर होने में लगते हैं, और जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है वो एक आइडल प्लेस है, खरीफ क्रॉप है ना। 2% वर्ल्ड के एरिया में 27% वर्ल्ड का टेक्सटाइल की नीड है जो कि कॉटन पूरी करता है। इसी प्रकार से टेम्परेचर 21 से 30, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए है ना। सॉइल जो है ब्लैक कॉटन सॉइल चलेगी, रेगुलर सॉइल जिसको कहते हैं, जो आपको डेक्कन में मिलती है, गुजरात और ये वाले रीजन में भी मिलती है। फाइबर, ऑयल और एनिमल फीड बनाने में काम आता है। नंबर 1 पे इंडिया है दुनिया में
सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूएसए। हमारे स्टेट में देखो गुजरात नंबर वन पे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और राजस्थान, ये पांच टॉप स्टेट्स है जहां पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। कुछ वैरायटीज भी होती है कॉटन की, जैसे कि एक तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन भी बनाए लग गए है ना, लेकिन चार प्रकार के इसके स्पीशीज है जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं ना, गैसोपियम, एक हर्बेसियम, हिर्टेसियम और एक बार्बिडेंस। तो ये चार प्रकार के स्पीशीज है जो कि कॉटन के देखने को मिलते हैं है ना। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन के तौर पे दोस्तों यहाँ पे गॉसिपियम और यहाँ पे अर्बेसियम, ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे ठीक है। इसी प्रकार से हिटेसम जो है ना, इसको अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं, और ये जो इजिप्शियन कॉटन है ये बार्बिडेंस है, जो कि इजिप्शियन कॉटन या न्यू वर्ल्ड का जो कॉटन है उसके तौर पर जाना जाता है। सवाल भी आया था पेपर में, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया ओके कौन सी जगह पर पाई जाएगी, तो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया जो है वो किसके वजह से फॉर्म होती है। तो देखो ये जो डेक्कन वाला जो पूरा एरिया है ना जहां पे एक सॉइल देखने को मिलती है, ये सब वॉल्केनिक इरप्शन का पार्ट है, उसी की वजह से ये सब बनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, वॉल्केनिक रॉक की वजह से, तो बी आपका सही आंसर होगा। एक और सवाल पूछा गया कि बताइए एक कैरेक्टरिस्टिक बताए गए राज्य के, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ में एरिड और सेमी एरिड एरिया है, सेमी एरिड है यानी कि राजस्थान तो नहीं है ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट की बात हो रही है। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, उस राज्य का सेंट्रल के पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस होता है, और कैश क्रॉप का ज्यादा होता है कंपैरेटिवली फूड क्रॉप के, कौन सा ऐसा राज्य है। देखो नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड, एक नॉर्दर्न पार्ट है वो तो एरिड और सेमी एरिड है, सेंट्रल में कॉटन है और वहां पे कैश क्रॉप ज्यादा होते हैं, तो कैश क्रॉप तो कौन ज्यादा बनाता है, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो वो कौन है, गुजराती। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजराती। चलिए नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 44 को लेकर। देखो रिसेंटली नेशनल वाटरवे 44 जो है ना उस पर इचामती रिवर के ऊपर जो है कुछ हम लोग प्रोजेक्ट है जो कि बना रहे हैं, उसको थोड़ा डीप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेविगेशन में समस्या नहीं हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे ने इनिशिएट किया है कि कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट बंगाल के अंदर जो इचामती रिवर है इसको और बेहतर है जो कि बना सके, ताकि नेविगेशनल डेप्थ है जो कि इसकी इंक्रीज हो सके और कैपेसिटी जो है वो इसकी बेहतर हो सके। तो इशामती रिवर आपसे पेपर में पूछेंगे, ये इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है, समझ गए, 24 परगना जो नॉर्थ का रीजन है वेस्ट बंगाल वहां पे ये फ्लो करती है, और अभी इसकी क्या थोड़ी डेप्थ बहुत कम है तो उसको इंप्रूव करने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। आगे बात करते हैं पीआईबी की, पीआईबी में अ हेल्प प्रोग्राम पूछेंगे आपसे, अ हेल्प प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, झारखंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि हम लोग महिलाओं को जो है वो एम्पावर कर रहे हैं एजेंट बना के, कौन से एजेंट, डिजीज कंट्रोल के लिए है ना, एनिमल की टैगिंग के लिए, समझ गए, लाइफ स्टॉक के इंश्योरेंस के लिए। तो जो गांव में सभी जो काम होते हैं ना उनके लिए हम लोग महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं ताकि एम्पावरमेंट कर सके, उनको जॉब दे सके। ये प्रोग्राम का नाम है अ हेल्प प्रोग्राम, झारखंड में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एक और है भारत एनसीएक्स 2023 है ना, ये भी पीआईबी है, देखो आप ये भी कल का ही अपडेटेड है। तो भारत एनसीएक्स 2023 ये जो प्रोग्राम है वो किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी बेहतर है जो कि हो सके। तो अजय कुमार सूद जो कि अभी हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप किया है हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ में, आरआरयू के साथ में, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट राइट्स, देखो अभी ऐसा हुआ है 75 हमारे यहाँ पे आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको हम लोग पीवीटीजी कहते हैं, 75 हमारे देश में, उनमें से सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं जिनको हैबिटेट राइट है जो कि मिला हुआ है कि भैया ये एरिया तुम्हारा है, तुम्हारे हिसाब से उगाओ, तुम्हारे हिसाब से बेचो, तुम्हें जो करना है करो, हैबिटेट के वहां पे उनको राइट मिले हुए। तो अभी रिसेंटली जो है ना 3 ही ऐसे कम्युनिटीज है 75 में से जिनको ये राइट मिले हुए, उसमें से अभी रिसेंटली जिसको मिला वो है बायगा। बायगा जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको ये राइट है जो कि मिल गए हैं। ये सेकंड पीवीटीजी है जिसको इस प्रकार का राइट मिला है, सेकंड ही है राज्य के अंदर ओके। अभी तक टोटल 3 ही को इस प्रकार का राइट मिला है, भारिया को मिला मध्य प्रदेश में, कामार को मिला और बायगा को मिला छत्तीसगढ़। कामार और बायगा तो हो गए छत्तीसगढ़ के, और साथ में भारिया वो है आपके मध्य प्रदेश के। तो भारिया, कामार और साथ में बायगा, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये 3 दो मध्य छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश, इनको अभी हैबिटेट राइट से जो कि सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस, वहां पे बायोडायवर्सिटी की नॉलेज प्रोटेक्शन करना, ये सब उनको अवेलेबल है जो कि हो गए हैं ठीक है। इससे उनको ट्रेडिशनल लाइवलीहुड और उनका इकोलॉजिकल नॉलेज दोनों ही जो है वो
सेफ एंड सिक्योर है जो कि रहता है। ऑलराइट, तो पीवीटीजी जो है ये सब क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि आपके शेड्यूल ट्राइब के होते हैं। शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी एक सब क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किलों के अंदर है, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, जिनके अंदर लिटरेसी बहुत लो लेवल की है, टेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चर के जमाने की है, बहुत ही पुराने लेवल की, और इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड है, उनको पीवीटीजी के अंदर इंक्लूड है जो कि किया जाता है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, होपफुली पसंद आया होगा। नीट बैच 12th की स्टैंडर्ड की अगर आपको कोर्स चाहिए, सीटेट का चाहिए, यूजीसी नेट और सीएसआर के लिए आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और स्किल ट्रेनिंग के लिए स्किल 24। मेरी क्लास की पीडीएफ आपको क्लास 24 की ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।